सास की अंतिम इच्छा। देखिए माँ जी, वो पड़ोस की लूटन मौसी है ना, उनके बेटा बहू उन्हें गोवा ले जा रहे हैं। अरे क्या बात कर रही है बहू, उसके तो ना मुंह में दांत है ना सर पर बाल, क्या करेगी गोवा जाकर। अपनी अपनी किस्मत है माँ जी, लूटन मौसी मरने जो वाली है। हैं? अरे बहू ये कैसा मरना हुआ, जो पहले से ही पता है और ऊपर से गोवा भी घूमने जा रही है। बोला ना माँ जी, अपनी अपनी किस्मत है। बात हुई थी मेरी लूटन मौसी की बहू से, बोल रही थी कि चलो दवाई में जो पैसा लगेगा वो गोवा में लगा देते हैं। सास को बहू की बात से पता नहीं क्यों नफरत की बदबू आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और कमरे में जाकर लेट जाती है। क्या बात है, लूटन के तो मजे ही मजे है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, थोड़े से पैसे लगाओ और सीधा गोवा की सैर। मैं भी चलती हूँ गोवा। अगले रोज सास तय वक्त पर उठती नहीं। अरे देखो जी माँ जी, अब तक उठी नहीं, आज दूध वाले से दूध और काम वाले के लिए दरवाजा मैंने ही खोला है। अब कम से कम माँ जी का ये तो सुख है कि सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता। अरे बड़ी अजीब हो तुम, मेरी माँ सुबह से उठी नहीं है और तुम्हें चिंता दूध और काम वाले की है। अरे तुम्हें चिंता है ना, तो जाओ जाकर देखो क्या हो गया। वैसे मेरी किस्मत कहाँ लूटन मौसी की बहू जैसी। बेटी को माँ की चिंता होती है, वो सोचता है कि कहीं माँ की सांसें तो नहीं रुक गई और हमें पता ही नहीं चला। बेटा माँ के कमरे में जाता है और वहाँ जाकर, माँ माँ क्या हो गया है तुम्हें? बेटा लग नहीं रहा कि अब मैं बचूंगी, लल्लन डॉक्टर के पास ले चले। अरे कैसी बात करिए माँ, तेरी तबीयत सीरियस है और मैं तुझे लल्लन झोला छाप डॉक्टर के पास ले जाऊं? ना ना ना। अरे तो कहाँ ले जाएगा बता दे, वहाँ एडवांस दे दिया है मैंने, वो क्या कहते हैं गूगल पे से। हैं? तूने क्यों पैसे दिए माँ, तुझे पता था क्या कि तू बीमार होने वाली है? सास को लगता है कि कहीं चोरी पकड़ी तो नहीं गई, वो हड़बड़ा जाती है और उसे पसीने निकलने लगते हैं। अरे माँ क्या हो गया, सर्दी में भी पसीने, लगता है तेरी तबीयत ज्यादा ही खराब है और लल्लन डॉक्टर पास ही में है, चल उसी को दिखा देता हूँ। माँ को लेकर बेटा डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ माँ ने पहले ही पैसे देकर सेटिंग कर रखी थी। डॉक्टर के क्लिनिक में जाते ही डॉक्टर की ओवर एक्टिंग की दुकान खुल जाती है। हाय राम माँ जी, हे भगवान, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो मरने वाली है बेटा। हैं? और डॉक्टर है इसलिए इज्जत से बात करूंगा, नहीं तो मेरी माँ को देखे बिना ये बकवास करने के लिए तेरे मुंह में घूसा मार देता। अरे ना ना बेटा, ऐसे मत बोल, वो डॉक्टर है, उसे वो दिख जाता है जो किसी को नहीं दिखता। हाँ माँ शायद तू ठीक बोल रही है, डॉक्टर क्या दिखा आपको? हमारे डॉक्टर जी, जिन्होंने पहले से ही माँ से बोलने के पैसे ले रखे थे। यमराज, काला भैंस, वो तुम्हारी माँ को ले जा रहा है, ले जाओ इन्हें। यार माँ, ये डॉक्टर ही या तांत्रिक, क्या क्या बोला जा रहा है? अरे बेटा वो डॉक्टर है, उसे वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता। इनकी हर इच्छा पूरी करो, क्योंकि यम नहीं चाहते कि इनकी कोई भी इच्छा को अधूरी रखा जाए। निराश मन से बेटा माँ को लेकर घर आता है। माँ आज से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, चल तुझे वो झूले वाले पार्क में ले चलता हूँ, जहाँ तू पिताजी के साथ जाया करती थी। ठीक है बेटा चल, लेकिन साथ में वो बीड़ी का बंडल रख लेना, तेरे पिताजी वही झाड़ी में पिलाते थे मुझे। माँ कैसी बात कर रही हो, वैसे भी जीवन के 4 दिन बचे हैं और तुम। अरे देख बेटा, ना पिलानी तो ना पिला, लेकिन सुनाना तूने डॉक्टर ने क्या कहा, कि मेरी कोई इच्छा खाली नहीं रहनी चाहिए। अरे वैसे बेटा 4 दिन की जिंदगी है, न जाने कब मौत आ जाए। माँ के मुंह से मौत का नाम सुनकर बेटा गंभीर हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, वो माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ को भी लगता है कि उसकी मौज मस्ती कहीं बेटे को डिप्रेशन में ना डाल दे। देख लल्लन का फोन आया था, बोल रहा था कि हो सकता है मौत ना भी आए, पर इच्छा पूरी करके रख दे,
जब जाऊंगी तब तृप्त होकर जाऊंगी, क्यों? तभी बहू की आवाज आती है, माँ जी आपकी फेवरेट गट्टे की सब्जी बनाई है। सास खाने के टेबल पर जैसे ही बैठने वाली होती है, बहू उनकी चेयर पीछे करती है और प्यार से बिठाती है। बहू शांत हो जाती है, वो माँ को बस देखती है और उनकी हर बात मानती है। रात को जब सास सोने जाती है तो, माँ जी मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आज आप डॉक्टर के पास गई थी, थक गई होंगी ना। बहू का प्यार देखकर सास को हैरानी होती है, वो समझ नहीं पाती कि जो बहू उनके मरने को अपना भाग्य बताती थी, वो आज जब सास मरने वाली है तो दुखी क्यों हो रही है। क्या सोच रही है माँ जी? यही ना कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। माँ जी मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है, माना आपसे नाराज होती थी, परेशान होती थी, आपकी बातें चुभती थी, लेकिन यकीन माने प्यार बहुत है आपसे मुझे। सास बहू को गले लगा लेती है। अरे तू क्यों मोह में डाल रही है, आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है ना। बहू रोने लगती है और वहां से चली जाती है। अब तो सास आए दिन कोई ना कोई डिमांड करती जिसे बच्चे पूरा करते। मुझे ना वृंदावन जाना है, कृष्ण की नगरी देखने। जी माँ जी हम आपको लेकर चलेंगे। माँ मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। बेटा अब आए दिन छुट्टी लेता और माँ को घुमाता फिराता। एक दिन बॉस कहते हैं, रमन क्या बात है, मैं देख रहा हूँ पिछले एक महीने से तुम ना काम करते हो ना दाम, बस सारा दिन इमोशनल से बैठे रहते हो, ऐसे में तो कंपनी तुमको और नहीं रख पाएगी। मैं खुद ही नौकरी छोड़ने की सोच रहा था बॉस, वो क्या है कि माँ का आज नहीं तो कल कभी भी देहांत हो सकता है, इतना कीमती समय मुझे तो पल पल उनके साथ रहना होगा, पता नहीं कब वो मुझे छोड़कर चली जाए। और बेटा नौकरी छोड़ देता है। माँ माँ मैंने नौकरी छोड़ दी है, आज से मैं तेरे पास रहूंगा। माँ जी मैंने भी बच्चों का नाम स्कूल से कटवा दिया है, अब हम सब आपके पास ही रहेंगे और आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। अब सास को लगता है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, अरे बेटा नौकरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो साल बर्बाद हो जाएगा। वो समझ नहीं पाती कि क्या करे, कैसे ये ड्रामा खत्म करे। बेटा बहू अब तुम लोगों से एक बात करनी थी, देखो मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने झूठ बोला था, मुझे कुछ नहीं हुआ है वो तो। ये बोलकर सास सारी बात घर वालों को बता देती है। ओ माँ सच्ची, हे भगवान मैं जानता था माँ को कुछ नहीं होगा। वाह माँ जी ये तो बहुत अच्छी खबर दी, मैं तो हलवा बनाने जा रही हूँ। तुम लोग मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं माँ जी हम बहुत खुश हैं कि आपके मरने की खबर झूठी है। माँ शायद मैं तेरे ठीक होते ही तेरा इतना ख्याल रख लेता तो तुझे ये नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ जी आप हम लोगों को माफ कर दीजिए,